जब मैंने मना करी तो तेरे बजाय बजाय चल जाऊंगी तो मैं लखन सीख तू बालक न रह। तो गाइस इसी गले के फंदे से डर रहा मैं तो चढ़ गया यार, इतनी गाड़ी तो पहली बार खुली है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी उठते हैं और फिर आंखें ढंग से खुले तो फिर मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले उठते ही ओट्स, और आज डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि पूरा ये वाला हिस्सा पेन कर रहा है और इधर की हालत तुम देख सकते हो क्या क्या हो रही है। देखो पूरा का पूरा हाथ डैमेज हुआ पड़ा, और बिगर वर्कआउट के मन भी नहीं लग रहा, ना कहीं जाने का मन कर रहा, ना कुछ करने का, ना डाइट लेने का। बाकी कुछ कुछ करके थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। लोग आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने स्टार्ट कर देते हैं जब आपका टाइम थोड़ा सा ऐसे वाला होता है। जैसे आप सपोज करो सुबह उठते ही सबसे पहले तुमने सोचा व्लॉग बनाना है, बनाया, बनाते ही इधर पता चला कुछ हो गया, फिर यहाँ भागो, फिर वहाँ भागो। तो भाई यही कारण है कि व्लॉग मैं लेट बनाता हूँ और गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हाथ को डॉक्टर के दिखाना है और उसके बाद जिम ओपनिंग है, वहाँ जाना है। बाकी देखते हैं आज दिन में जो भी करेंगे, जहाँ जाएंगे सब आपको दिखाएंगे, तो बने रहना व्लॉग में। चलिए तो गाइस जस्ट अभी घर से निकला हूँ और थोड़ा अजीब सा हो रहा है अंदर से भी। एक तो इस वजह से भी कि थोड़ा सा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ हाथ की वजह से, और दूसरा पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हाथ में, दिमाग नहीं चल पा रहा है। एक तरफ से ना सोशल मीडिया से भी ऐसा हो रहा है कि कुछ डालने का मन ही नहीं है। जब अच्छा मन होता है तो कुछ अच्छा बनाते हैं, लेकिन अभी कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। घर से निकला हूँ और सीधा दादरी पहुँचता हूँ। सबसे पहले अभी मुझे यहाँ पर ही 10:30 बज गए जबकि मुझे 12 बजे पहुँचना है जिम ओपनिंग में। तो गाइज अभी अभी 1.5 महीने का पूरा रेस्ट दे दिया और बिगर वर्कआउट के कैसे रहूंगा ये समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर तुमने वर्कआउट करा तो तुम्हारा और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से भाई ये जो पट्टी मैंने बांध रखी थी ना, ये बहुत गलत करा मैंने, बोले पट्टी बांधनी नहीं है तुम्हें, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रखना, ऐसे ऐसे खाना खाना है और बस हाथ सूख कपड़े पहनने खत्म। तो गाइस इसी गले के फंदे से डर रहा मैं तो चढ़ गया। ये भाई ने पेतली लगाया, डॉक्टर साहब ने बोला हाथ खाना नहाना और कपड़ा पहनना। तो गाइज लाइफ में इतने लंबे टाइम में बहुत पहली बार हो रहा है कि ये हाथ ऐसे लटकाना पड़ रहा मुझे। वैसे तो मैं बता दूं जहाँ पर ये हाथ में इंजरी हुई थी, मतलब वेट वगैरह उतर रहा था डंबल वगैरह भाई के जिम में, तो आज ही उस जिम की ओपनिंग है। वहाँ ओपनिंग भी आज ही करनी है जहाँ ये चोट लगी है मेरे, सीधा वहीं जाएंगे। सबसे पहले कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, बाकी गले में हाथ ऐसे रखना पड़ रहा है और ड्राइव करनी पड़ रही है उल्टे हाथ से। वो तो सही है ऑटोमेटिक है गाड़ी, नहीं तो दिक्कत होती चलाने में। ये देखो गाइज पूरा का पूरा भरा पड़ा है। ये सूरजपुर से आगे जब हल्द्वानी मोड़ को जाओ ना, वहाँ का हाल है। हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है और ऊपर से डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। तो जो जिम की ओपनिंग थी ना उसमें मैं लेट भी हो गया, फिर मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, तो इसलिए जा करके रेस्ट करूँगा और कुछ खाऊंगा पीऊँगा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अब थोड़ी सी भूख लग रही है, नहीं तो सुबह भूख लग रही थी लेकिन हाथ की वजह से टेंशन में कई दिन से ढंग से खा भी नहीं पा रहा था। जब आपके इतने सारे मैसेज कॉल और आपने इतना प्यार दिखाया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब होता रहता है लाइफ में, ये सब चलता रहता है, तो भाई इतने स्ट्रांग हम भी है। थोड़ा सा अब थोड़ी एनर्जी लग रही है थोड़ा ये सब देख के सुन के। तो 1.5 महीने जितना भी रेस्ट है अपना अच्छे से करेंगे और उसके बाद जो भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। चलिए तो गाइस बाल कटवाना आया हूँ अपने टूटे हाथ से। हेलो कैसे हो? ये मारा मैं लड़की ने, हाथ तोड़ दिया, वेट से टूट गया, वेट डिसबैलेंस हो गया डंबल, आज हाथ टूटवा गए पर मतलब मांस फट गया हाथ को, स्वेलिंग हो रही पूरी, पूरा फटा फटा। तो गाइस लाइफ लुंज लुंज सी लग रही है अब। सारे काम तो सीधे हाथ से करें पूरी जिंदगी, अब उल्टे हाथ से कैसे सीखूं? बाल काट दो बढ़िया से हैं। तो गाइस अपने फ्लैट पर आ चुके हैं और भूख लग रही थी तो मैंने बाहर ही बिरयानी खा ली, सही रहता क्योंकि मैं घर आके बनाता फिर हाथ में चोट लग रही थी, तो उस वजह से थोड़े दिन बाहर से खाऊंगा या फिर खुद हल्का फुल्का जो बनाना होगा वो बनाएंगे। तो अभी थोड़े रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले ले लिया मैंने मटन, और मटन के बाद अभी थोड़ी सी टमाटर प्याज और खीरे लेने, थोड़ा सा रेस्ट करके मैं भूख लग रही थी तो फिर मैंने सोचा मटन बना लेता हूँ, धीरे धीरे जैसे भी बनेगा।
नींबू, एप्पल, नारियल, पपीता है, पपीता दे दे। तो गाइस अभी मटन तो बन गया, राइस भी बन गए, थोड़े से खीरा काट रहा हूँ। तो गाइस ना ना करते हुए भी मैं पहुँच गया, वर्कआउट तो नहीं लेकिन थोड़ा ट्रेडमिल कर लेंगे कम से कम 40-50 या एक घंटे जितनी देर भी होगी। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ कल फिटनेस में, जहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करके अच्छा फील होएगा, क्योंकि कार्डियो तो कर सकते हैं अगर हाथ से वर्कआउट ना हो पाए, कार्डियो और लेग्स यही वर्कआउट रहेगा कुछ दिन। तो भाई 30 मिनट कार्डियो करके जा रहे हैं सीधा घर। हमारी ये इवन इवेंट काफी अच्छी हो चुकी है पहले से। तो गाइस स्टोर से थोड़ा सा सामान लिया है, जिसमें ये है, मीठा खाने का मन करता है तो मैं ये खाता हूँ, और ये मूसली है, ये ओट्स है अपने, बाकी अपना ये आमला जूस है। ठीक है भाई कर दो, थैंक यू ब्रो। तो गाइस ये सामान हो गया यहाँ से, और स्टोर से मेडिकल से और लेना है, मतलब हाथ की सिकाई करनी है कि पूरा ये दिख रहा करनी तो ऐसे अच्छा, ये पूरा जो जेल है जम जाएगा, गर्म भी हो जाए तो गरम करके गरम सिकाई कर लो, गरम करना है तो गरम पानी करके हाँ तब डालना है। ठीक है ठीक है, डाल देना ठीक है, कभी जया में फूल जावे। ठीक है ये वाला कर दो भाई। हे राम राम जी। तो भाइयों कैसे हो, आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस सुबह सुबह निकल गया मैं दिल्ली, क्योंकि एक जिम ओपनिंग में जाना है और कपड़े वगैरह थे नहीं, हाथ में तो पेन है ही, और ऊपर से आज थोड़ा संडे है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा ट्रैफिक नहीं होगा दिल्ली में, तो अभी डीएनडी पे हूँ और हाथ की कंडीशन ये है। अभी भी देख रहे हो तुम कैसे निशान पड़ रहे हैं, तो हाथ को थोड़ा कम ही यूज़ कर रहा हूँ। बाकी 10 तारीख के बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया है, तो प्रे करो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए हाथ, फिर से मैं वर्कआउट कर पाऊँ और जल्द ध्यान दे पाऊँ। अभी ऐसा हो रहा है वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ और डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो लेट तक सोना, अपनी मर्जी से उठना फिर चलना। अब भी देखो 10 बज रहे हैं, 9 बजे उठ के 10 बजे यहाँ निकल रहा हूँ, चलिए फिर। तो गाइस मैंने बहुत देर ना लोकेशन लगा के मैंने सोचा डाइट खा लेते हैं थोड़ा सा, क्यों बाहर का खाना, क्योंकि जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ कपड़ा की शॉप पे वो आधा घंटा लगेगा उसमें भी। तो भाई खूब ढूंढने के बाद लास्ट में पता क्या मिला, छोले कुलचे, यही खाएंगे भाई। तो गाइस ये कपड़े ले लिए हमने, बाकी ये पैंट है, ये है, ये है, ये वर्साचे का है, ये नाइक का। तो गाइस 20,000 के कपड़े ले लिए हैं, और ऐसा होता है हर महीने फिर से लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार पहन गए फिर दोबारा कहीं जाओ फिर दूसरे कपड़े लो। ट्रैफिक नहीं है इतना जितना मैं सोच रहा था, कि भाई चलो संडे है राहत मिलेगी, तो राहत सही में मिलेगी, नहीं तो 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से लेकर सुभाष नगर से नोएडा पहुँचने में। सीधा कपड़े वपड़े तो खरीद लिए, पहुँचना है जिम ओपनिंग में, तो ऐसे ही चेंज करूंगा और सीधा निकल जाएंगे जिम ओपनिंग। इसमें डीजल भरवाने का टाइम आ गया, हर दूसरे दिन इसमें कम से कम 2500-2000 रुपए का डीजल चाहिए भाई, 2000 रुपए का डाल दे। चाबी दूं, यही झंझट है हमें चाबी देने को बस। इसमें एक स्विच वाला आ रहा है कि स्विच यहाँ से खटका दबाओ और पीछे का ये खुल जाएगा। कितने भैया? 2000 का डीजल, डीजल पेट्रोल मत डाल दियो, एक बार पेट्रोल डाल दियो तुमने ऐसी। तो गाइस यहाँ से ले लिया हमने गोलू, और धर्म भाई मिलेंगे आगे से, आ जाओ। लाल लाल हो रहे हो तो Oh,
बाबा ने मना करी तो तेरे बजाए बजाए चल जाऊंगी तो मैं लखन सीख रहा तू बालक नो रहा अरे यो टूट ना रहा थोड़ा बहुत होगा सही देगी लाल पाल हो रहा सही है यहाँ हाथ को एक महीना ऐसे रख ले तो तेरे कब बिगड़ रहा हो पागल सुअर की चर्बी लगावे 3 घंटे वेट करूंगा को वेद को करना पड़े अपनी मजबूरी को सारा दिन भी करना पड़े दो दो दिन भी करना पड़े 2 दिन वो कोई तो लेफ्ट हैंड ना इतना बड़ा पब्लिक फोटो खिंचवाने की लाइन खिंचवा मैं लाइन में लगूंगा तो करवाऊंगा अगर ना हुआ अब क्या 2-4 दिन में तो फिर करवाता हूँ और गोली दे कौन गोली ने खा ली है और 2 पट्टी में कर दे वो 6 पट्टी बताएगा वैसे तो 2 या 3 बस दाल चावल अब बना लो आपका दिक्कत आ रही थी मैं बता जो कहता तुम हम दाल चावल बना लो तब बना ले फिर 10 मिनट भी ना लगे 10 मिनट में लगा 10 मिनट में बना मैं खूब बनाऊँ डेली फ्लैट में खूब चावल बनाऊँ 10 मिनट में हाँ 10 मिनट में गंदी हो रही थी गाड़ी बहुत ज्यादा था इसलिए गाड़ी को ये एलिमेंट आज तक कराए नहीं थे हमने जब से टेल डलवाए तो आज इसकी बैलेंसिंग और एलिमेंट धागे से करवा रहे हैं मतलब मशीन से हो गए अलग ये धागे से करते हैं भाई तो इनका बेस्ट है मतलब करने का तरीका भी और वैसा भी एक ब्रेक का जो हैंड ब्रेक है ना उसकी भी दिक्कत है वो भी करवाएंगे बस अब तो ना भाई एक साइड नहीं कोई दिक्कत नहीं एक महीने में कभी भी चेक करा सकते हो चलो ठीक है बढ़िया होगा भाई यहीं मुझे भरोसा है कि यहीं हो सके गाड़ी बढ़िया क्योंकि मैं पहले भी अपनी गाड़ी लेकर यहीं आकर है पुराने मिस्त्री है बढ़िया तो गाइस एलिमेंट तो हो गए लेकिन यहाँ के जो ये बैक कैमरा है ना वो बैक कैमरा दिखाता हूँ बिल्कुल ब्लू आ रहा है ना इसकी और दिक्कत है इसे और दिखा लेते एक बार यार इतनी गाड़ी तो पहली बार खुली है टेंथ पूरे म्यूजिक सिस्टम विस्टम सभी निकाल दी बाहर बैक गियर पे लगा बीपी लो हो जाएगा इतने में था अब कैमरे में दिक्कत है या में दिक्कत है समझ नहीं आ रहा भाई टेंथ पूरा कैमरा भी खोल दिया पीछे से ये भी खोल दिया कैमरे में दिक्कत है अगर ऐसी चालू जुगाड़ में करवाना यार अगर हो तो ठीक है ना हो रही तो कंपनी दिखा लेंगे कोई दिक्कत है छोड़ यार ये इतना सब कुछ तेने खोल खाल दिया यार इनसे दुख हो रहा मैं तो मेहनत की कमाई है यार चलो कौन मना कर रहा हूँ बट का पूरा यू खोल दिया बता है